प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के भयमुक्त अपराध मुक्त वातावरण व विकास कार्यों से आम जनमानस में बहुत संतोष है। यूपी की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है। बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये तब संभव होता है जब बूथ अध्यक्षों से संपर्क हो। ये बातें प्रयागराज आए पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को जिला कार्यालय में इलाहाबाद एवं फूलपुर लोकसभा के निमित्त आयोजित क्लस्टर बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश की जनता के लिए दिन रात कार्य करते रहे, अनगिनत योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया और योगी जी ने अपराध मुक्त प्रदेश की स्थापना की। हम सबको जनता जनार्दन को सरकार की योजनाओं का स्मरण कराना है। ये चमक धमक जनसंघ के समय के कार्यकर्ताओं के मेहनत समर्पण की देन है। उनसे मिलकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर हम सभी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कार्यकर्ताओं के मेहनत और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है, हम निर्णायक जीतने वाले हैं। 400 पार करेंगे फिर भी एक एक बैठक करके कल पूजा टाइट रहे इसकी बैठक करते हैं। इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ पर, कल भी मैं 2 लोकसभा का करूँगा। बहुत ही अच्छी बैठक हुई, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हम बहुत प्रभावित जीतेंगे। सीए को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए सीए आज मेरे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बताया है सीए किसी भी भारत के नागरिक से उसके नागरिकता के अधिकार नहीं छीनता, वो किसी को नागरिकता भारत के लोगों को देता भी नहीं है। सीए एकमात्र संबंधित है ऐसे प्रताड़ित लोग जो अपनी आस्था के कारण पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के आए, यानी हिंदू सिख पारसी क्रिश्चियन जैन, तो वो कई वर्षों से यहाँ पड़े हैं, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान रखता है। ये मानवीय दृष्टिकोण से भारत के संस्कार संस्कृति के अनुसार उचित है। जो विरोध कर रहे हैं ये लोग वही लोग हैं जो रोहिंग्या को भारत में बसाने की बात करते हैं, याद करिए। और चाहे वो ममता जी हो या अखिलेश यादव हो या वामपंथी हो या कांग्रेसी हो, ये लोग सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स से इसका विरोध कर रहे हैं। ये वही मानसिकता है कि प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिलने पर भी नहीं गए और आज उनका विरोध। बैठक में उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ कार्यकर्ता के साथ निरंतर संपर्क, युवा मतदाताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने, जनसंपर्क व सोशल मीडिया का उपयोग कर प्रतिदिन डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव के निमित्त संवाद कर सुझाव भी लिए। भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर्स की मीटिंग होती है, 171 क्लस्टर देश भर में बनाए गए हैं, जिसमें 2-4 लोकसभा होती है, तो एक क्लस्टर मुझे यहाँ दिया गया जिसके लिए मैं आज और कल रहूंगा, जिसमें इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र, फिर आपके फूलपुर लोकसभा क्षेत्र, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र और प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र। तो आज मैंने बैठक किया, सब रिपोर्ट लिया। ये इस बात का परिचय है कि तमाम जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं 400 के पार, फिर भी एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता करना, उनसे बात करना, उनकी बात सुनना और आगे क्या करना है, कैंपेन को आगे बढ़ाना, इसके लिए बैठक थी। बहुत ही प्रभावी बैठक हुई। हमारे सारे वरीय पदाधिकारी, संगठन प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, विस्तारक, विधानसभा के संयोजक सभी उपस्थित। बैठक की अध्यक्षता काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने करते हुए संगठन के कार्यों से अवगत कराते हुए भरोसा दिलाया कि आपके द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन का 100% पालन कर फूलपुर, इलाहाबाद सहित काशी क्षेत्र की सभी लोकसभाओं में कमल खिलाने का कार्य कार्यकर्ता करेंगे। प्रदेश मंत्री व सांसद अमरपाल मौर्य ने कहा कि यह आम चुनाव नहीं, ये देश को 1000 वर्ष आगे ले जाने वाला चुनाव है। हम सभी को गिलहरी की भांति समर्पण को तैयार रहना होगा। क्लस्टर इंचार्ज प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि देश का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक चुनाव 2024 का आम चुनाव होने जा रहा है।
दुनिया के अंदर देश विरोधी शक्तियां इस चुनाव में सक्रिय होंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः बनी तो फिर भारत का मुकाबला करने की हैसियत दुनिया में किसी देश के पास नहीं होगी।